दुकान का एड्रेस बता देते हैं। वहाँ पे कहाँ पर है? आईडी मार्केट है। ओह चलो जी, थैंक यू। शेक मिल्क शेक। हेलो, कितने का है शेक? शेक 20 का है। कौन सा है, मिक्स है, कौन सा शेक है? पपीता शेक बनाना चाहिए, जूस का 40 का होता है। जूस का 40 का होता है। इधर भी पूरी मार्केट है, इधर से स्टार्टिंग है। मार्केट बहुत उमदा है, मैं पहले बता दे रही हूँ। मार्केट इज़ वेरी नाइस। एक ऑप्शन ये भी है, ये आलू के होते हैं, कटलेट्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, पनीर के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, समोसा और चाय भी है, ये बना रहे हैं। मतलब खाने का ना आगे एक और ऑप्शन है। अंकल जी चाय पी रहे हैं ट्रैफिक में। हाँ ये भी अच्छा है। मार्केट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। सब एज अ ट्रैवलर मेरे को देख रहे हैं ना, तो सब पूछ रहे हैं कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। भैया मुझे चाय पी नहीं जाना, पास में बस आ गई है दुकान। उसके पास कुलचे भी मिल जाएंगे, चाय भी मिल जाएगी। इस मार्केट में एटीएम से लेके बैंक से लेके सब कुछ है। क्या चीज़ नहीं मिल जाएगी, बस थिंक क्या चाहिए सोच लो और वो चीज़ की दुकान तुम्हें मिल जाएगी। स्पेशल टी कॉफ़ी आगे थी एक दुकान, वहाँ पे कुलचे वुलचे मिलते। क्रॉसिंग बाय एंड दिस इज दे आर मेकिंग हाथ से, हाथ की कारीगरी। ओके बस मैं अब मैं शूज़ उतारूँगी। हो गया हाँ हाँ, मैं वही देख रही हूँ, बाबा जी का ही बना रहे ना, मैंने ये साइन देख लिया था। चलो मैं चप्पल पहन के आऊँगी ना, तब मैं अंदर आऊँगी। बाबा जी का बना रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं शूज़ के साथ एंट्री नहीं है। शक्ल मेरी हो गई बहुत ख़राब पसीने से। माय सनग्लासेस आर लॉस्ट। रूम में मिल जाएंगे तो बेस्ट है यार। एक छोटा ताला लेना है लगाने के लिए, ताला वाला ये रहा भैया, ये रहे ताला वाला। ये लो ताला दे दो अंकल जी, एक छोटा सा अटैची में लगाना है। ये छोटा वाला दे दो, कितने का? सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला दे दो। हाँ बतासा ये वाले दे दो ना, ये वाला दे दो, ये वाला। अमृतसर की धूप में दुपट्टा झूले के चलो सर पे या कैब, नहीं तो तुम भूसे की तरह जल जाओगे। वैसे तो अभी 4 बज गए हैं, मगर 4 बजे के बाद भी बहुत काफी गर्मी हो रही है। अभी तो हो ही नहीं, जून जुलाई में बहुत ज्यादा है। जून जुलाई में कौन यहाँ पे आएगा? तब तो सारे वो आएंगे टूरिस्ट बच्चे। नहीं नहीं हम तो अभी आ गए। ए ब्लॉक में गुरुद्वारे के पास में, वो गुरुद्वारा जहाँ पे है ना, वो ए ब्लॉक में, बस उधर ही पहुंच जाओ आप। लोगों को ये नहीं पता कि अमृतसर में ना मेरा पूरा फादर का फैमिली साइड है, और आज मैं आई हूँ अपनी ताई के लड़कियों के घर में आई हुई हूँ। पहले मैं ताई जी के घर गई, फिर ताई जी के घर से 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटे, तो तीनों बेटियाँ पास पास रहती हैं। ये उनका घर है, ये किचन है, ये मेरी रज्जो डार्लिंग है। रज्जो दिखा दो अपना शक्ल, ये रज्जो, इसकी शादी में मैं आई थी। अब आ रही हूँ मैं अमृतसर, और ये मेरी भाभी डार्लिंग।
मेरी ताई की बड़ी बहू है ये, ये मेरी भाभी है, नंद हो जाएगा प्यार जो मर रहा है कैमरे के सामने। ये कड़ी पकोड़ा, अरे माय फेवरेट कड़ी पकोड़ा। ये रज्जो डार्लिंग यहाँ पे ना गरम गरम फुलके डाल रही हैं, और दाल बनी अरहर की, ये मटर क्या है, ये आलू पनीर बना रखी है, उसमें दाल का है, दाल दिखा दो भाभी, ये रही दाल तड़के वाली, बन गया हमारा डिनर, चावल और कड़ी बनाई है बाहर से लेकर आई, नहीं बनाई है, अच्छा अभी बनाई तुमने आने के बाद, और ये हमारी रज्जो डार्लिंग की किचन है, और घर छोटा सा है मगर अभी इतना ही मैं दिखाना जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता ज्यादा किसी का घर वर दिखाने के लिए। ये मेरी कजन्स हैं, लहसुन प्याज की चटनी बनाई है डार्लिंग ने, खैर मैं लहसुन तो नहीं खाती हूँ, जो खाने वाले जो है ना वो खाएंगे, चलो चलो रोटी पलटो रोटी, हाँ कौन है, अच्छा अंदर जेंट्स पार्टी चल रही है वो हम दिखा नहीं सकते, ये हमारे रज्जो डार्लिंग के हस्बैंड, ये मेरे विजय भैया जी ताई के बड़े बेटे, ये इनकी पार्टी चल रही है, इवनिंग पार्टी स्नैक्स पार्टी। अरे ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके घर में चलती है और क्या। अरे रज्जो जीजा जानी तो पूरी बोतल दिखा रहे, मैकडोनल्ड की है नंबर वन, चलो भैया आपका व्लॉग में आ गए हो आप। पहले मेरे को डर लग रहा था मैं लूं नहीं लूं, कई लोग बुरा मान जाते हैं ना, अरे रज्जो डोंट वरी, कई लोग बुरा मान जाते हैं ना, नहीं अच्छे हैं, पूरा खुश दिल नेचर है हमारे। अरे तूने एग्जॉस्ट नहीं लगवाया इसमें, नहीं लगवाना, अच्छा भाभी बेचारी सर्विस करने में लगी नहीं है, भाई ये होती है फैमिली होती है, ये मैं आई हूँ अमृतसर, रंजीत एवेन्यू, ताई खाना खा रहे हैं, ये है मेरी ताई, ताई खाना खा रहे हो, खाओ, ये टीवी चल रहा है, हमारा लग गया डिनर, दिन से इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दिन में ना हमारी गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए थे, तीन बहनें, फिर उनके बच्चे, फिर भैया, फिर जीजा, फिर मखौल, मैंने कहा ये तो फैमिली गैदरिंग है इसको इतना नहीं डाल सकते, भैया आओ खाना खा लो, कैसी बनी है कड़ी ताई, बढ़िया बनी है, मैंने बनाई है, अच्छा कर दो ताई वाले, अच्छा कर, हमें खाने से मतलब है कोई बनाए, देखा ताई ने बिल्कुल 100 रुपए वाली बात करी है ताई ने, चलो भाई डिनर कर लेते हैं, हैव अ नाइस डिनर, डिनर टाइम गाइस, ये मेरी प्यारी ताई, ताई तुम आओगे मेरे चैनल पे, आओगे मेरा यूट्यूब का चैनल, कौन है ये, इंदिरा गांधी मेरे हेचर को बोलते, चैनल बनाया ना इन्होंने, हाँ अच्छा चैनल बनाया, मेरे हेचर को बोलते ये तो नहीं इंदिरा गांधी जैसी, इंदिरा गांधी तो तेरी माँ का नाम था, यस ये तो तुमने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम बोल दिया, इंदिरा मेरी मम्मी का नाम था, इंदिरा देवी मेरे ताई को याद है, और मेरी मम्मी को ना सब प्यार करते थे ससुराल में, कौन प्यार नहीं करता था मेरी मम्मी का, ना सुंदर नहीं होती थी, प्यार नहीं। तो जहाँ मैं अमृतसर आई हूँ ना वहाँ मेरे ना ताई के ना तरफ से बहुत सारे ना बहने हैं, बहनों के बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, तो कल तो रजनी की दिखाई थी मैंने, हाँ तो ये है निशु आशु निशु के ये दोनों हैं, जब हम कहते हैं ना ये दोनों ये 6th में है, ये 11th में 10th में, आशु के ये है छोटा, ये सारा दिन फोन में कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, अब हम कुछ बोल तो सकते नहीं, हम ये बोल सकते हैं पढ़ रहा होता है, ये हमारी भाभी रेस्ट कर रही हैं, ये मेरी ताई वहाँ पे पाठ कर रही हैं, ये रही मेरी ताई, हाँ ना, ये भाभी का बड़ा बेटा, ये छोटा वाला ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा, अभी एक आया था वो चला गया बड़ा वाला, अभी तो ये अभी कम लोग हैं यहाँ पे, अभी दो दीदियों के इंट्रोडक्शन अभी रहती है,
वो मैं कल दिखाऊंगी, कल रजो के यहाँ फिर से जाएंगे ना, रजनी के यहाँ, तो उनको दिखाऊंगी, कल बड़ी दीदी को कवर करूंगी और रजनी को कवर करूंगी। रजनी के कल मैंने किचन तो कवर कर ली, रजनी के जब डिनर करा थे। तो ये हमारी मेरी अमृतसर की फैमिली है, मेरे फादर साइड के साइड की, मेरे पापा के साइड की ये सारी फैमिली मेंबर्स हैं। तो इनसे मैं बहुत टाइम के बेचारी चाह लांदी आ शंकर दे नाल नहीं, जड़ी चाह वाली जड़ी ओदे आपस च कोई गल हो गई जवाई बीती आहो जड़ी शंकर दे बेचारी। डिनर हमारा हो गया बहुत बढ़िया है भाभी। हां जी हां जी, खा के ना हमें आ रही है बहुत तगड़िया नींद। और अभी हम घर जाके पिएंगे थोड़ी सी पेप्सी, फिर हम खाना डाइजेस्ट करेंगे। ये है मेरी रज्जो बहन। ये भी बहन है मेरी, अभी तो इधर आएंगे मिलेंगे अभी तो। अच्छा, आएगी कल? आएगी कल। हाँ, तेरे को आना पड़ेगा उधर। मार्केट में आ गए, मार्केट आधी बंद हो गई है आधी खुली है, दिखा दे रही हूँ। दुपट्टे देख ले यहाँ से, तो ज्यादा खास तो नहीं है। पिंक इस कलर का चाहिए, इस कलर का दुपट्टा 100 के दो। नहीं, हमें 100 का एक ही चाहिए, मगर अच्छा दुपट्टा चाहिए। ये अच्छा लग रहा है ये वाला, है ना? ये अच्छा भी लग रहा है ना, थोड़ा सा पिंकी पिंकी टाइप लग रहा है। ये कितने का है? 50 का ही सही लग रहा है। एक ही आला दे दो और एक ये दे दो बॉटल ग्रीन, कल पहनूंगी। हाँ, एक दूसरे सूट के लिए ले रही हूँ दीदी। कोई नहीं, हाँ नहीं तो फिर कल फिर दोबारा आना पड़ेगा मेरे को मार्केट। ये देखने नहीं, पिंक तो ये मेरे को दे दो अभी। मफलर देखने, मफलर क्या करने? दीदी कह रही मफलर ले लो, मफलर क्या करने? जो दीदी कॉटन के आते हैं ना गले में वो हुआ। देख लो, देख तो एक्चुअली ना गोल्डन टेम्पल जा रही ना, दुपट्टा नहीं था इसके साथ का, तो मैंने दुपट्टा ले लिया। कोई नहीं, नहीं देखने का कोई मूल नहीं है। नहीं देख लिया दीदी, मेरे पास है, मेरे को ना दुपट्टा लेना था, दुपट्टा ले लिया मैंने। हाँ एक्चुअली जो दूसरा सूट है ना उसके साथ ये वो लेडी पीछे पड़ गई, एक और ले लो, एक और ले लो, लेना मुझे एक ही था और एक मैंने दूसरे सूट के साथ ले लिया, दो दुपट्टे ले लिए। मार्केट का रास्ता मुझे आज भी याद है। ये मेरा है भतीजा, भांजा नहीं है भतीजा, मैं इसकी बुआ हूँ। और ना ये इसको जब ये मेरे साथ आ रहा था ना स्कूटी पे, सब बोलते अरे गिरा देगा तेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूंगी, मैं इसको गिरने नहीं दूंगी। सब बेचारे को डरा रहे, इतना अच्छा हमारा लड़का है। ये देखो दुपट्टे ही दुपट्टे हैं यहाँ पे, यहाँ से तो मैंने बहुत दुपट्टे लिए थे। मार्केट अच्छी है, मार्केट अब हो रही है बंद। मेरे को ना वो पर्स अच्छा लगा, ये वाला। ये पर्स कितने का है? ये चेक वाला रेड और रेड और ब्लू वाला, ये वाला नहीं, ये हाँ ये वाला, हाँ ढूंढ लो, मेरा महंगा है। क्या लगाओगे? 200 का ही लगाएगा वो, चला जा। तेरे तो मसल टाइट है, तो जिम जाता है? नहीं, फिर घर में करता है? हाँ घर में किया कर, तू ना मोटा हुई हो। हाँ जैसे वो आशु नीचो के बच्चे ऐसे मोटे मोटे हो रखे हैं, उनको बहुत बुरा लग गया। हाँ वो ऐसे बोल रही है, वो ऐसे बोल रही है। भैया मार्केट है ये गुरुद्वारे के ना हर तरफ, गुरुद्वारे के 12 गेट हैं, 12 गेटों में मार्केट ही मार्केट है भाई। कपड़ों की कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से शॉपिंग करो, और कुछ नहीं। जेंट्स की पूरी शॉपिंग मॉल लगी पड़ी है। भैया जी हाँ संभाल के चल लो, मिठाई की दुकान, मिठाई मिठाई है, मिठाई मिठाई। तेरी नानी दादी बोलती ना चप्पल के लिए अंगूठे वाली 100 रुपए की लगी हुई है, 100 रुपए की लगी है। वो मांग भी रही थी, बोल भी रही थी, मुन्नी मेरे लिए ले आई हो। नहीं ये चीज नहीं डालेंगे। अरे डालेगी, आई वैसी है, बहुत चमक चमक है। ओ जी नहीं डालेंगे, नहीं डाले, सिंपल। हाँ हाँ वो मैं ले आऊंगी वहाँ से, बोल रही थी मेरे को। यहाँ से वो दुपट्टे लिए थे मैंने इनके यहाँ से, इनके यहाँ से तो मैंने बहुत दुपट्टे लिए थे। कितने के भैया?
सौ रुपए के ना, देखा 100 रुपए के मैंने बॉर्डर दुपट्टे उठाए थे यहाँ से। इसके ऊपर तो यही अच्छा लग रहा है ना, प्लेन पिंक। कि ये कैसा लग रहा है ये वाला, क्योंकि जो सामने है ना ये सराय है, यहाँ पे रूम्स रेंट पे मिल जाते हैं। और ये थानेदार जी की दरगाह है, वो सॉरी गुरुद्वारा है, जो अमृतसर के थानेदार जी होते हैं ना, ये उनकी गुरुद्वारा है ना। पता तेरे को, पता है नाम बता? ये देखियो, ये ऐसा बच्चा है यहाँ पर, इसको नाम नहीं पता। आज आगे से चप्पल आगे उतार देंगे, आगे भी जगह, आगे भी है जगह की। ये तो यहाँ पे गुरुद्वारा, अगर यहाँ जाना हो ना, ये जो है ना यहाँ पे चप्पल उतारने की, अगर इस वाले गुरुद्वारे जाना है ना तो यहाँ पे उतार दो चप्पल। भाई मैं तो ले लिया सर पे चुन्नी, क्योंकि टोक देते हैं लोग यहाँ पे, अगर आपके सर पे चुन्नी नहीं होगी ना, आदमी लोग औरत लोग एक दूसरे को टोकते हुए जाते हैं, अच्छे से टोकते हुए जाते हैं, बेइज्जत करते हुए जाते हैं, पूरा बेइज्जत करते हुए। तो यहाँ पे ये दो सराय बना है, एक माता गंगा जी निवास और श्री गोविंद हरगोविंद जी निवास, दो ये निवास बने हुए हैं। सो यू कैन स्टे ओवर हियर। सो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मगर अब मैं रात को दिखा रही हूँ। पानी पीना है? नहीं, आपने पीना? अभी तो नहीं लग रही प्यास, क्योंकि मुझे लंगर खाना है। पानी पी लूँगी तो मैं लंगर नहीं खा पाऊँगी है ना। घर जूते उतारो, पानी पीने का उन्होंने ये पे बना रखा है। ये टाइम हो रहा है हमारे रात को 8:40 पे, 8:30 पौने 9 हो गए, सामने खड़ी है। क्या नंबर है, रख ले। मेरे को क्या दे रहा है टोकन? मेरे को टोकन दे रहा बुआ, रखो मैं, रख ले अपने जेब में। हाथ दो, वॉश योर हैंड्स। मैंने कहाँ से कैमरा पकड़ रखा, तो एक ही हाथ धो सकती हूँ मैं। होती है यहाँ पे रात को, यहाँ पे ऐसी ना लगा रहता है जमघट लोगों का। लंगर खाएंगे वहाँ पे, सामने लंगर हॉल है वो वाला, और यहाँ पे आके सो जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लंच करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शाम को आके विश्राम करेंगे। वैसे ही है गुरुद्वारे की ना, एक बात अच्छी है कि भाई स्टे मिल जाता है और तीनों टाइम खाना मिलता है, प्रसाद, खाना भी नहीं बोलते, सिर्फ प्रसाद आप बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ये यहाँ पे पूरा अंदर स्टे है सारा, ये अब तो पहले ये बता कि पहले लंगर खाना या पहले दर्शन करने है? आप देख लो, पहले दर्शन करते हैं ना फिर लंगर चखेंगे, प्रोसेस तो यही है। फोन कहने बंद कर दो। हाँ वहाँ पे दुनिया बना रही होती है वीडियो अंदर आके। पानी पीने? चल आ जा। हेलो,
हेलो बहुत रश हो रहा है यार, बहुत रश हो रहा है। बहुत ज्यादा रश है क्योंकि संडे है ना। सही बोला। पता नहीं कोई एक बाबा जी क्या बोल के चले गए। पूरी दुनिया वीडियो बना रही है, पूरी दुनिया वीडियो से शूट करती है, मुझे ही पकड़ के क्यों बोलते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। तो तुम्हारा दारा तो